आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या पढ़ाने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। क्या टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। Differentiation of logarithmic function क्या पढ़ाने जा रहे हैं, differentiation of logarithmic function। पहला क्या definition, ए फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। ए फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स या यू टू दी पावर जी एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। ठीक है, क्या होगा, ए फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स यू टू दी पावर जी एंड एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। वह तो एफ एक्स के पावर जी एक्स रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, यू के पावर जी रहेगा या एफ एक्स जी एक्स या एच एक्स रहेगा, एफ एक्स के पावर जी एक्स। दैट मीन्स साइन एक्स के पावर एक्स हो सकता है या एक्स के पावर कॉट एक्स हो सकता है या एक्स के पावर एक्स हो सकता है, यू के पावर भी, दैट मीन्स वाई के पावर एक्स हो सकता है, एक्स के पावर एक्स हो सकता है, या बहुत सारे फंक्शन का क्या हो, मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन हो। कहाँ पे लॉग लगा देंगे, ये बनाएंगे कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्या हो गया, होगा साइन एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स, लॉग एक्स टू दी पावर एक्स और एक्स टू दी पावर वाई। इस टाइप का जब भी होगा तो क्या समझ लेंगे, ये किसका डिफरेंशिएशन है, लॉग का डिफरेंशिएशन है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम क्या समझ लेना, ये जो क्वेश्चन अपने पास है ये किसका क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होता है, लॉग बेस ई ए इंटू बी इंटू सी रहेगा, तो क्या लिख देंगे, लॉग ई ए लॉग ई बी प्लस लॉग ई सी। ए बी सी प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई बी प्लस लॉग बेस ई सी। ठीक है, बाय दी वे दूसरा प्रॉपर्टी लॉग ए बाई बी है, यहाँ नहीं कुछ बोल रहे तो ऑलरेडी क्या है, ई है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो ऑलरेडी क्या है, ई है। ये क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, बाय दी वे यहाँ ई लगा दिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई ई दे। तीसरा क्या हो गया, लॉग लॉग ए टू दी पावर बी, क्या पढ़ लेंगे, बी लॉग, यदि पावर में रहेगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ नहीं कुछ है तो ऑटोमेटिक क्या है, ई है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है,
लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लॉग बेस ए ए कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये चार गो फार्मूला जो है ये डिफरेंशिएशन में, लॉगिट्यूड ऑफ डिफरेंशिएशन में बार बार मिलता रहेगा। अब क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग वर्किंग रूल पढ़ लें। वर्किंग पहला काम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लॉग लगा देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला काम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लगा देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। दूसरा काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना। तीसरा काम क्या करना है, टेकिंग कंटेनिंग dy by dx terms on one side, dy by dx वाला जो भी टर्म होगा उसको क्या करेंगे, एक साइड रख लेंगे, and rest is another side। इसका मीनिंग क्या हुआ, dy by dx वाला जितना टर्म होगा उसको एक तरफ रखेंगे और बिना dy by dx वाला टर्म है उसको दूसरे तरफ रखेंगे। और लास्ट एंड लास्ट राइट dy by dx एंड पुट द वैल्यू ऑफ ठीक। यही काम है इन जनरल जो मिलता रहेगा, इसी पर क्वेश्चन बेस्ड होगा ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन सब थोड़ा देखिए, y इक्वल टू u इंटू v क्या है, y इक्वल टू u इंटू v हमको, इफ y इक्वल टू u v प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू v du by dx प्लस u dv by dx। लॉग में जो पढ़े हैं उस प्रॉपर्टी के आधार पर क्या करना चाह रहे हैं, y बराबर u भी है तो dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, v du by dx प्लस u dv by dx। सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है, u इंटू v है। पहला काम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, log y बराबर log u इंटू v, इसको क्या लिख देंगे, log u प्लस log v। y बराबर क्या है, u इंटू v है तो टेकिंग log बोथ साइड ले लिए तो log y बराबर log u v, और log a इंटू v क्या होता है, log a प्लस log v, a कितना है u है और v कितना है v है तो क्या हो जाएगा, log u प्लस log v। log y इक्वल टू
log y इक्वल टू क्या आ गया, log u प्लस log v। अब क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, d log y by dy into dy by dx equal to d log u upon du into du by dx। फिर क्या, d log v upon dv into dv by dx। हमको नहीं लगता इस समय कोई दिक्कत होता होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन y dy के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 y dy by dx इक्वल टू log u का du के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 y u du by dx प्लस 1 y dv by dx। अब क्या करते हैं, dy by dx वाला टर्म को एक तरफ लिख देते हैं और बिना dy by dx वाले को दूसरे तरफ लिख देते हैं, एंड लास्ट राइट dy by dx। dy by dx क्या हो जाएगा, इधर क्या है, डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इधर किस में है, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो y 1 by u du by dx प्लस 1 by v dv by dx। y क्या है अपने पास, y क्या है, u into v 1 upon u du by dx 1 upon v dv by dx। अब क्या हो जाएगा, u v upon u du by dx प्लस u v upon v dv by dx। u u कैंसल, v कैंसल, क्या हो गया, v du by dx प्लस u dv by dx, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या आ गया, d u v का डिफरेंशिएशन जो लिखाए थे वो क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, u y इक्वल टू यू अपॉन वी प्रूव दैट वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा, तो कल हम बताएंगे, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x टू दी पावर x, दूसरा क्वेश्चन है साइन x टू दी पावर x, तीसरा क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये क्या है, तीन वो क्वेश्चन है, बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसके आधार पे क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, वैसे अब दिक्कत होगा नहीं। डिफरेंशिएशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, आज लास्ट टॉपिक पर है इसका, इसके बाद क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो छोटा सा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, लेट वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, क्या है, एक्स टू दी पावर एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करते हैं, टेकिंग लॉग
both sides. Log y equal to log y equal to log x to the power x. अब ये क्या है, पावर मल्टी पावर में है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो. अब क्या किए हैं, इस तीन को क्वेश्चन लिया, किस पर लिया क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पे. क्या क्वेश्चन दिए, एक्स टू दी पावर एक्स साइन एक्स टू दी पावर एक्स कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स. पहला क्वेश्चन क्या है, लेट वाई बराबर एक्स टू दी पावर एक्स, तो ये किसका क्वेश्चन है, लॉग वाला क्वेश्चन है. पावर में एक्स टू क्या कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए, लॉग ले लिए, तो लॉग वाई बराबर लॉग एक्स टू दी पावर एक्स. अब क्या हो गया, एक्स लॉग एक्स पावर में जो रहता है वो कहाँ आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है. अब क्या हो गया, लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स. अब क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या हो गया, डी लॉग वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स. अब क्या हो गया, u इंटू वी, तो लॉग एक्स डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी लॉग एक्स बाय डी एक्स. लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स डी एक्स बाई डी एक्स कितना, वन प्लस एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स 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 कैंसिल. क्या आ गया, लॉग एक्स प्लस वन. वन अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, लॉग एक्स प्लस वन. डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये वाई किधर है, इधर है, तो इधर मल्टी डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वन प्लस लॉग एक्स और वाई कितना है, एक्स टू दी पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स. ये क्या हो गया जी, आंसर हो गया. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम मेथड है, y इक्वल टू साइन x टू दी पावर x. फिर क्या, टेकिंग log बोथ साइड्स. क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log साइन एक्स टू दी पावर एक्स. इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स लॉग साइन एक्स. अब क्या हो गया, लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग साइन एक्स. अब क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या हो गया, डी लॉग वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स. अब यहाँ क्या है, यू इंटू वी है, यू इंटू वी दैट मीन्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स प्लस एक्स d log sin x upon d sin x into d sin x upon dx.
क्या हो जाएगा, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन वाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस एक्स, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इधर y क्या है डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा y log sin x प्लस x और cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x, y इक्वल टू क्या है sin x टू डी पावर x log sin x प्लस x cot x। ये क्या हो गया आंसर हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग खुद बना लीजिएगा ठीक है ना, और इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछिएगा ठीक है। हम आज यहीं पढ़ा के लास्ट कर देते हैं, पहले कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार सुनिएगा ठीक है ना, और फिर हम इससे आगे कल पढ़ाएंगे ठीक है। जय हिंद जय भारत।